हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टॉप यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं उस लड़की और अदाकारा की बात करने वाली हूँ जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती है। बहुत सी लड़कियाँ इनको अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं और ये लाखों लड़कों की क्रश हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन सुपर डुपर टिकटॉकर, यूट्यूबर, एल्बम सॉन्ग, टीवी एक्ट्रेस, ब्लॉगर चिन्नत जुबैर रहमानी की। टिकटॉक से फेमस होने वाली ये लड़की आज पूरी दुनिया में जानी जाती है। इनकी शोहरत की वजह से इनके टीवी ड्रामास भी शामिल हैं। चिन्नत के टिकटॉक पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है। अब चिन्नत जुबैर के इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और हर रोज़ एक धमाकेदार पोस्ट भी करती हैं, और इंस्टाग्राम पर इनके तकरीबन 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चिन्नत जुबैर ने अपने कैरियर में बहुत से छोटे म्यूजिक सॉन्ग भी बनाए हैं जो कि वायरल होते ही ट्रेंडिंग हो जाते हैं। इनमें से बहुत से सॉन्ग मिस्टर फैजू के साथ है। तो चलिए अपनी वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, जिंदगी की पौड़ी। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है जन्नत जुबैर का सॉन्ग जिंदगी की पौड़ी। ये सॉन्ग जन्नत जुबैर के टॉप सॉन्ग में से एक है। इस सॉन्ग को एक साल पहले टी सीरीज पर रिलीज किया गया। इस सॉन्ग की रिलीज डेट 6 जनवरी 2019 थी। इस सॉन्ग में 180 मिलियन व्यूज हैं। ये जन्नत जुबैर का सबसे ज्यादा हिट होने वाला सॉन्ग है जिसने इतने व्यूज हासिल किए और ब्लॉकबस्टर हुआ। इस वीडियो सॉन्ग पर 3.1 मिलियन लाइक्स हैं और 100K कमेंट्स हैं। इस सॉन्ग के सिंगर हैं मिलिंद गाबा। इस सॉन्ग की लिरिक्स और कंपोजिशन निर्माण ने की है। नंबर 2, रिंग ट्यून। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है जन्नत जुबैर का सॉन्ग रिंग ट्यून। इस सॉन्ग को 11 मंथ पहले डीसी म्यूजिक पर रिलीज किया गया। इस सॉन्ग की रिलीज डेट 1 मई 2020 है। इस सॉन्ग पर 81 मिलियन व्यूज हैं। इस सॉन्ग पर 1.4 मिलियन लाइक्स हैं और 46K कमेंट्स हैं। इस सॉन्ग रिंग ट्यून के सिंगर का नाम है प्री सिंदर और म्यूजिक दिया है रजत नगपाल ने, लिरिक्स लिखे विक्की सांधु ने और इस सॉन्ग के डायरेक्टर हैं गुरविंदर बाबा। नंबर 3, तेरे बिन कीवे। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है जन्नत जुबैर का सॉन्ग तेरे बिन कीवे, जो कि जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू का फर्स्ट सॉन्ग था और ये सॉन्ग एक ही दिन में वायरल हो गया। फैजू और जन्नत के फैंस ने अपना खूब प्यार जाहिर किया। इस सॉन्ग पर 44 मिलियन व्यूज है। इस सॉन्ग को एक साल पहले जी म्यूजिक पर रिलीज किया गया। इस सॉन्ग की रिलीज डेट 10 जनवरी 2019 थी। इस सॉन्ग की कास्ट में शामिल है जन्नत जुबैर, मिस्टर फैजू एंड रामजी गुलाटी, और गेस्ट अपेयरेंस में शामिल थे आर्यन जुबैर रहमानी। इस सॉन्ग के सिंगर है रामजी गुलाटी और म्यूजिक भी रामजी गुलाटी का ही है। इस सॉन्ग की लिरिक्स लिखे हैं मोली अखर ने। नंबर 4, इश्क फर्जी। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है जन्नत जुबैर का सुपर हिट सॉन्ग इश्क फर्जी, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और इस पर काफी अच्छे व्यूज भी आए। इस सॉन्ग को एक साल पहले जी म्यूजिक पर रिलीज किया गया। इश्क फर्जी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2019 थी। इस सॉन्ग पर 44 मिलियन व्यूज हैं। इस सॉन्ग के लाइक्स 1 मिलियन है। दोस्तों, इस सॉन्ग को इतनी कामयाबी इसलिए हासिल है क्योंकि इस सॉन्ग को खुद जन्नत जुबैर ने गाया है, इसलिए लोग इस सॉन्ग को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। इस सॉन्ग को अपना बहुत सा प्यार भी मिला। इस सॉन्ग के सिंगर हैं जन्नत जुबैर और इस सॉन्ग को म्यूजिक दिया है रामजी गुलाटी ने। नंबर 5, मर्दा सारा इंडिया। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है जन्नत जुबैर का सॉन्ग मर्दा सारा इंडिया। इस सॉन्ग को 3 मंथ्स पहले टी सीरीज पर रिलीज किया गया। इस सॉन्ग की रिलीज डेट 21 दिसंबर 2020 है। सिर्फ 3 महीने पहले इस सॉन्ग ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली। इस सॉन्ग पर तकरीबन 23 मिलियन व्यूज है। फैजू और जन्नत जुबैर जो भी सॉन्ग करते हैं वो वायरल होता है और ट्रेंडिंग में जाता है। इस सॉन्ग पर 730K लाइक्स हैं और इस सॉन्ग के सिंगर है रामजी गुलाटी और म्यूजिक भी रामजी गुलाटी ने दिया है। इस सॉन्ग के लिरिक्स वीन रांझा ने लिखी हैं। इस सॉन्ग की कास्ट में शामिल है मिस्टर फैजू, जन्नत जुबैर एंड रामजी गुलाटी।
तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो खत्म हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को करें लाइक और साथ ही साथ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और नीचे कमेंट सेक्शन में जन्नत जुबैर के बारे में अपनी कमेंट्स लास्ट में दें और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।